हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है। आपको बता दूं, मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी जगह आपको बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दूं, विधानसभा की जो अभी फिलहाल में विधायकों की विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। अब 5 बजे करीब आसपास वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि खट्टर सरकार में आपका सीधा जो आप जो कहते रहे आज तक कि खट्टर सरकार अब खट्टर सरकार नहीं होगी, सैनी सरकार या नायब सिंह सैनी सरकार आप बोलेंगे। फिलहाल के दौर में आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का थोड़ा क्या उनकी डिटेल है वो भी हम आपको बता दें फिलहाल के तौर पर, ताकि आपको भी जानना आवश्यक है कि फिलहाल में जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या था। नायब सिंह सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा के रहने वाले हैं, अंबाला से रहने वाले हैं और आपको, लेकिन कुरुक्षेत्र के सांसद हैं अभी फिलहाल में। 2002 में युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला से जिला महामंत्री भी रहे थे। इसके बाद 2005 में युवा मोर्चा भाजपा अंबाला में जिला अध्यक्ष भी बने। नायब सिंह सैनी ने साल 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री भी रहे थे। 2012 में बीजेपी अंबाला से जिला अध्यक्ष बने। साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने और 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र सांसद चुने गए। मतलब सीधा सीधा है कि सांसद कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं नायब सिंह सैनी और फिलहाल में हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हें अभी फिलहाल में विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन इसमें एक और खबर निकल के आ रही है कि जो पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल विज नाराज चल रहे हैं। वे जो विधायक दल की बैठक चल रही थी उससे नाराज होकर निकले थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाए, क्योंकि 6 बार लगातार विधायक अनिल विज रहे हैं तो शायद वो भी अपने आप को सीएम के दावेदार समझ रहे थे। और सच में ये ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हैं पैरासूट से कोई आया वे प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसको सीधा फिर सीएम बना दिया गया। अनिल विज भी कोई अच्छा, अनिल विज का भी चेहरा अच्छा है, लोगों के कहते हैं कि सोशल मीडिया हो लोगों के बीच में अगर बात कहें तो बहुत लोगों के बीच में चेहरा माना जाता है। कई कोई बात कहते हैं ना कुछ लोग कि अगर सुनवाई नहीं हो रही तो अनिल विज की अदालत में चले जाओ, तो लोगों के बीच में डर भी रहता है कि भैया प्रशासन को डर रहता है कि अगर अनिल विज के अदालत में चले गए तो कार्रवाई हो जाएगी। लोग हैशटैग कर दें अगर किसी खबर को तो लोग डरते हैं, प्रशासन डरता है कि अनिल विज की अगर हैशटैग कर देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अनिल विज का जो चेहरा है साफ सुथरा है, आपको बता दूं पाक चेहरा है। अनिल विज को अगर सीएम बनाते तो शायद इस बार जो इलेक्शन जो आप सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर लड़ रहे थे, वरना दूसरा अगर ऑप्शन अगर आप ढूंढते तो अनिल विज से अच्छा चेहरा कुछ नहीं था। क्योंकि नायब सिंह सैनी को प्रदेश में बहुत लोग नहीं जानते हैं। नायब सिंह सैनी को अगर पूछें कि नायब सिंह सैनी आपने देखे हैं तो बहुतों को पता भी नहीं होगा कि नायब सिंह सैनी दिखते क्या है। अनिल विज साहब की अगर बात करें, लोगों से पूछे अनिल विज को जानते हैं तो बहुत लोग बता देंगे हाँ अनिल विज कौन है। मतलब एक पॉजिटिव चेहरा अगर होता तो अनिल विज का हो सकता था। ये हरियाणा में अगर हमें जो लगा, हमारा भी अगर अपने रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो अनिल विज को सीएम का चेहरा बना देना चाहिए था या सीएम बना देना चाहिए था, ये एक अच्छी खबर हो सकती थी। लेकिन शायद हो सकता है बीजेपी का आला अधिकारी आला कमान अपने अपनी खास लोगों को बनाने की भागदौड़ ज्यादा करते हैं कि कौन कितना किसके खास है, तो सीएम मनोहर लाल के ज्यादा करीबी माने जाते हैं नायब सिंह सैनी, तो इसलिए मनोहर लाल ने सीधा सीधा उनको चेहरा आगे उन्हें बताया। सुनने में आया कि विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को चुने जाने के बाद बुके देकर मनोहर लाल ने उनका स्वागत भी किया है। खबर तो यह भी लग रही है मनोहर लाल कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मतलब सीधा सीधा बीजेपी बड़ा दाव खेल रही है, बड़े बड़े लोगों के साथ लोकसभा चुनाव में उतार रही है। जैसे आपने राजस्थान में देखा था कि बड़े बड़े सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया जिसमें बहुत सारे विधायक बनकर आए, तो यही इस बार 370 का जो एम बीजेपी लेके चल रही है कि इस बार 370 का एम अगर सीधा सीधा कहते हैं कि अपने बलबूते पर किसी के साथ मिलकर नहीं, अपने बलबूते पर 50% से ऊपर के अगर आप सांसद बन जाते हैं तो बहुत सारे फैसले आप कड़े ले सकते हैं। तो इसको देखते ही प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 370 का आंकड़ा रखा है। कहते हैं 400 पार, वो 400 के आसपास यही लक्ष्य माना जा रहा है कि 400 पार तभी होगा जो हर जगह से आपके विधायक आपके सांसद खड़े होंगे। तो बड़े चेहरे उतारने की कवायद चल रही है। अब देखिएगा सीएम का चेहरा उतारा जा रहा है कुरुक्षेत्र मतलब करनाल से, ये अभी तक कवायद चल रही है, ये भी बातें निकल के आ रही हैं। सीधा सीधा खबर यह है कि नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और सारी खबरें तब आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।